भीम आर्मी तो बनी ही बहनों के लिए है, बेटियों के लिए है। कोई भी अगर बहन बेटियों का के साथ में बुरा करेगा तो वहाँ भीम आर्मी जैसी संगठन को उन्हें तो मजबूरन आना पड़ता है। वो चाहती इस देश में कोई भी बहन बेटियों के साथ में कोई गलत काम ना हो। और जब बहनों के साथ में ये पहलवान क्या उनकी बहन नहीं है, क्या ये चंद्रशेखर की बहन नहीं है, है ना, तो उनका तो आना बहुत जरूरी। क्या उम्मीद लग रही है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ये किसान आंदोलन की तरह खिंचेगा नहीं, मैं बता रही हूँ, ये महीनों नहीं दिनों में फैसला होंगे। अब दिनों में फैसले किए जाएंगे। देखें तो आपको क्या लगता है, तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन क्या करने आ रहे हैं, जब बहुजनों की बेटियों के साथ होता थे लोग नहीं आते हैं आपके? देखिए बेटियाँ तो इस देश की बेटी है, वो किसी जाति बिरादरी किसी धर्म की नहीं है, वो बहुजनों की बेटियाँ हैं, चाहे वो किसी के घर में हो, किसी ब्राह्मण के घर में भी जो है ना वो बहन भी जो है वो इस देश के बहुजन समाज में की है। आप कहने बेटी बेटी होती है, लेकिन जब दलित की बेटी होती है दलित की बेटी हो जाती है, ये और किसी की बेटी है तो देश की बेटी हो जाती है। ये मूर्खों का कहना होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनके वो ऐसे नहीं बोलते। अब इनका तो एजुकेशन से कोई दूर से लेना देना नहीं है, तो ये क्या जाने बहन का दर्द, ये बेटी का दर्द क्या जाने। ज्यादातर तो इनमें रणवे और कुंवर, इसी हरियाणा में मिर्चपुर कांड हुआ, गुहाना कांड हुआ, तो तमाम इतने सारे कांड हुए बेटियों के साथ, तब तो कोई नहीं आया था। देखो अब चंद्रशेखर को जो है ना उन्हें दिख गया कि इस देश में बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होता, है ना, इसलिए पहले सरकारों को दिया गया था, नहीं इंसाफ हुआ, अब चंद्रशेखर संभालेंगे सब चीज, सारे के सारे आंदोलन जो है वो चंद्रशेखर अपनी मुट्ठी में लेंगे। और पूरा भारत जो है अब यहाँ को दिखेगा किसको, मैं अभी बता रही हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा भारत अब यहाँ। दो दिन पहले मंदिर में गए थे तो क्या हो गया, वहाँ क्यों नहीं जा सकते? मंदिर क्या किसी बाप की संपत्ति है? समर्थन कर रही है कि मंदिर में न्याय मिलेगा, मंदिर में इसलिए नहीं गए थे, और क्या करना वो वहाँ इसलिए जाते कि बहन बेटियों को बाहर निकालो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, है ना, बाहर जाओ तुम, यहाँ पे तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है। अरे जिन भगवानों का नाम लेकर ये हमें बेवकूफ बनाते रहे, उन भगवानों के गढ़ में उस मंदिर के अंदर वहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं। इस देश में जो बहनों को यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर जो कौन सी दासी बोलते हैं, देवदासी बनाई गई, वो मंदिरों के द्वारा बनाई गई है। इस देश में कहा जाए तो कहीं पे भी बहनों को न्याय नहीं मिला, लेकिन क्योंकि जब बाबा साहब क्यों नहीं रोका कि मंदिर से न्याय नहीं मिलेगा, देखो मेरी बात सुनो, कोर्ट से मिलेगा न्याय। हाँ, अब क्योंकि उन्हें पता लगा कि ये जगह ऐसे काम हो रहे हैं, ये मंदिरों में जा रही है या ये एमपी एमएलओ के घरों में जा रही है, इनसे पूछ के आ रही है कि भैया हमें न्याय चाहिए। अरे यहाँ कहीं न्याय नहीं मिलेगा, न्याय तो अब छीनना पड़ता है, न्याय अब कोर्ट में भी नहीं मिलता, अब तो सब छीनना पड़ता है। संविधान के द्वारा मिलेगा न्याय, संविधान के द्वारा चलते हुए जब कोर्ट में भी हम प्रेशर बनाएंगे, भीम आर्मी प्रेशर बनाएगी, तब जाकर बहनों को न्याय। यहाँ तमाम महिलाएं बेटियां न्याय मांगने के लिए बैठी है, बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं रामराज की बात कर रहे हैं। देखिए इस तरह के पाखंडियों ने ही पूरे देश का सत्यानाश कर रहा है। पाखंडी चमत्कार, पाखंडी ये चमत्कार होते चमत्कारी होते तो अरे अपने घर पे रह के कर लो। अर्चना जी आपका पर्चा बना दो, अरे बनाने दो तो अभी बनवा दो मेरा, तो मैं कह रही बनवा दो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो उन्हें कहो कि बनाओ तुम पर्चा और हम भी तुम्हें देख लेंगे, ठीक है। ऐसे तमाम बाबाओं को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा, सांसद जो उनके ड्राइवर बनने गाड़ियों के, तो कुछ तो है बाबा में ऐसा। देखिए इस देश की जो ये सरकारें है ना, इन बाबाओं का ही सहारा लेकर सत्ता में आई है। ये जितने सारे बाबा, वो राम रहीम, वो आशाराम और जितने बाबा थे उन्हीं का सहारा ले लेकर ही सत्ता। आप तो बड़ा विरोध करते हैं ऐसे बाबाओं का, तो हम तो मानते ही नहीं ना, हम तो जानते हैं इनके पाखंड को, इनके जैसा पाखंड तो मैं चालू करवा दूँ, कल से मेरी दुकान चल पड़ेगी। पाखंड बता रहे हैं लोग ठीक हो जा रहे हैं उनके यहाँ जाकर, सारी बीमारियां कट जा रही हैं। देखो जो ठीक हो रहे हैं ना वो भी इन्हीं के लोग हैं, जो दिखा रहे हैं कि हम ठीक हो गए वो इन्हीं के लोग हैं, तो कोई नहीं ठीक हो रहा। ये क्या मेडिकल की दुकान है क्या, ये है जो ठीक हो जाए। अर्चना जी विरोध इतना लगातार होता है लेकिन जीत तो फिर भी बीजेपी जाती है ना, देखिए यूपी में क्या हाल। देखिए सुनिए प्लीज, क्योंकि सरकार में कहीं पे भी, पूरे देश में देख लीजिए, हर एक महकमे में इनके लोग हैं, है ना, कोर्ट में इनके लोग हैं, चुनाव आयोग में इनके लोग हैं, सारे पुलिस थानों में इनके लोग हैं। तो बताइए जिसका जिसके हाथ में इतनी सारी ताकत हो तो क्या उसका शासन नहीं होगा? बताइए एक बार शासन में आ जाओ, अपनी ताकत तो अपने आप ही बढ़ा लेते हैं, है ना, एक बार हमें आने दो, अब देखते हैं, अब हम आएंगे ना। अरे आपको कैसे आने देंगे, आप तो अछूत हैं, शूद्र हैं।
अछूत और शुद्र ही कर सकते हैं, इस देश में सही राज कर सकते हैं, इतना मैं बता दूं आपको। जिनके समर्थन में आप आए ये भी वोट देंगे आपको, देखो ये भी क्या नहीं करेंगे, वोट देंगे आपको, अरे सब देंगे, सब देंगे। जब आंदोलन किया इन्होंने सड़कों पर, फिर बीजेपी को वोट दिया, इन बीजेपी को किसी ने वोट नहीं करा। जब तक इस देश में ईवीएम है ना, तब तक कोई नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, ये मैं जानती हूँ। आपको लगता है ईवीएम से होता है? क्यों नहीं होता, जहाँ पे 2000 वोट हो और निकल रहे हो 4000, तो क्या मतलब है उसका? तो कर्नाटक में ईवीएम से जीती है कांग्रेस। देखिए अभी तो मैं यही कहूंगी कि चोर चोर मुतेरे भाई, ठीक है, एक बार तुम राज कर लो, जब मेरी पोजीशन डाउन होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तब मैं राज कर लूंगा। दोनों भाई भाई हैं जी, तमाम युवा भी हैं। देखिए आप भी आए हैं आज बेटियों समर्थन में, क्यों लगा आपको समर्थन में जाना चाहिए? समर्थन आज देश की बेटियों की और देश के गर्व की बात है, जो बेटियां देश के लिए गोल्ड लेकर आ रही है, आज उनके साथ उत्पीड़न का मामला बन रहा है, तो हमें हमारी बहनों के साथ में अगर ऐसा उत्पीड़न का मामला बनेगा तो हम तो समर्थन में आएंगे ही आएंगे। कोर्ट पर विश्वास नहीं आपको, पुलिस पर विश्वास नहीं? कोर्ट पर अगर विश्वास होता तो आज हम कोर्ट के भरोसे बैठे होते, यहाँ पर जन समर्थन नहीं आता। और सबसे पहली बात, आज कोर्ट भी इस अम्बेडकर वादियों को जो संविधान को मानते हैं उन्हें कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा। कानून व्यवस्था पर विश्वास है, मगर कानून व्यवस्था के अंदर जो लोग बैठे हुए उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन षड्यंत्रकारी लोगों से मिले हुए हैं। जांच तो हो रही है ना? देखिए जांच हो रही है, जांच मगर जितनी तेजी से होनी चाहिए थी, अगर यही ब्रजभूषण जी, अगर आम आदमी पार्टी तमाम और दूसरी पार्टी से होते तो अभी उनके ऊपर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाता और उनको अपने पद से निष्कासित करके और उनसे इस्तीफा लेकर और उनको सांसद की सीट से भी हटाया। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप है, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं कोई नेता इस पर बयान? बीजेपी इसलिए शांत है क्योंकि जो जिसने ये उत्पीड़न का मामला बनाया उनका खुद का नुमाइंदा है, वो बंदा उन्हीं के बीजेपी सरकार का ही वो सांसद है, तो वो क्यों उनके ऊपर एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर कोई अन्य पार्टी से होता तो एक्चुअली जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आज तमाम देश के अंदर अगर आप उठाकर देखोगे, कोर्ट के अंदर जितने भी केस उठा के देखोगे तो तमाम हर रोज रोज बेटियों के साथ ही उत्पीड़न का मामला बन रहा है। कहाँ बेटियां बच रही है? ये तो सिर्फ उनका जुमला है कि ये अपनी सरकार बनाने का जुमला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कब तक रहोगे आप यहाँ पर? जब तक बेटियों को सम्मान, इन बहनों को सम्मान नहीं मिलेगा, इनको इनके अधिकार जो जो इनके लिए बने हुए हैं वो मिल नहीं जाते, उस षड्यंत्रकारी आदमी को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। चंद्रशेखर साहब जब तक यहाँ पर है हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर रोड पर बैठे रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। अब जो व्यक्ति शिक्षित है वो तो इन चीजों को समझ रहा है, लेकिन जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ धार्मिक आडंबर ज्यादा है, तो वो लोग बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं और इसी के नाम पे जो है अपनी दुकानें चला रहे हैं।